गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हर्षित सालेचा आप सभी का नमो मांगीलाल चौधरी सर की YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आप लोगों को आवाज वगैरह क्लियर है तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि सर आवाज क्लियर है, जिससे हम लोग हमारे आज के सेशन की स्टार्ट करते हैं। और हम लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग परसेंटेज के बारे में समझ रहे थे कि परसेंटेज होता क्या है। इसके अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के बारे में समझ चुके थे। उसी क्रम में हम लोग आज हमारा नया टाइप स्टार्ट करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग एक बार जितना जल्दी हो आ जाओ, जिससे हम लोग हमारे आज का सेशन की स्टार्ट करते हैं। और आज का जो टाइप है वो है इलेक्शन के ऊपर आधारित क्वेश्चन, जो परसेंटेज में पूछे जाते हैं। वो क्या है, कैसे कैसे है, हम एक एक टाइप को, एक एक टाइप जो इलेक्शन के अंदर पूछ सकता है एग्जामिनर अपन से, अपन हर चीज को कॉन्सेप्ट से समझेंगे, शॉर्टकट भी समझेंगे, बेसिक एकदम कैसा हो सकता है क्वेश्चन का वो भी समझेंगे, और अपने को करना अप्रोच क्या लगानी है एग्जाम में वो भी अपन लोग अच्छे से समझेंगे। तो आज आपका पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़िए, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, मैं एक बार फिर आप लोगों के लिए पढ़ देता हूं और फिर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि क्वेश्चन कैसे करने हैं इलेक्शन के ऊपर आधारित जो होते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, आज का पहला क्वेश्चन, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दोस्तों दो उम्मीदवार थे, हारने वाले उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किए, हारने वाले उम्मीदवार ने 30% मत प्राप्त किए तथा वह 210 मतों से हार गया, तथा वह 210 मतों से हार गया, तो अपने को बताना है कि कुल मतों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन दे रखे हैं 520, बी दे रखा है 525, सी दे रखा है 530 और डी दे रखा है 535। आइए पर ध्यान दीजिए कैसे होगा। माना चुनाव में मतों की संख्या कितनी है दोस्तों, 100। मतों की संख्या कितनी है, 100। इन 100 का 30% जो है वो हारने वाले उम्मीदवार को मिला है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। तो 100 का 30% जो है वो अगर हारने वाला लेगा, इस 100 का 30% मतलब 30 वोट जो है वो यदि हारने वाला ले गया, तो बताओ मेरे को दोस्तों जीतने वाला जो होगा उम्मीदवार वो कितना लेके जाएगा, वो लेके जाएगा 70 वोट लेके जाएगा। मतलब हारने वाले को यदि कितना 30 मिला है, तो जीतने वाला उम्मीदवार कितना लेके जाएगा दोस्तों, 70 लेके जाएगा। अगर जब वोट, टोटल वोट जो थे वो 100 थे, उसमें से हारने वाले को 30 मिले हैं और जीतने वाले को 70 मिले हैं, तो एक बार ध्यान देना कि भैया जीतने वाला कितने वोटों से जीत जाएगा यदि टोटल वोट कितने हैं दोस्तों, 100 है। मतलब जीतने वाला उम्मीदवार जो है वो 40 वोटों से जीत चुका होगा। और क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखा है कि भैया जो हारने वाला उम्मीदवार है वो 210 मतों से हारा है। मतलब वही क्या बोल सकते हैं कि यही चीज जो 210 होगी वो किसके 40 के बराबर होगी क्या? क्यों होगी? क्योंकि जो हारने वाला कैंडिडेट है वो कितने मतों से हार रहा है, यदि जब मत, टोटल मत जो है वो 100 है, तो हारने वाला कैंडिडेट 40 से हार रहा है। इसीलिए क्वेश्चन में जो 210 दे रखा है वो किसके 40 के बराबर हो जाएगा। और अपन से कुल मत पूछ रखे हैं, तो अपन से 100 की वैल्यू पूछ रखी है, तो अपने को पता है 210 के नीचे कितना हो जाएगा, 40 इंटू कितना हो जाएगा, 100। 10 से 10 और 4 से काटूंगा 100 को 25 बार, और 25 इंटू 21 करूंगा तो दोस्तों कितना आ जाएगा, बोलो भैया कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा क्या? और 525 ही क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आया क्या आप लोगों को समझ में, कैसे करना है चीज को, क्या समझनी है? डायरेक्ट एक बार समझाता हूं किस टाइप से होगा। क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है, एक बार फिर से स्क्रीन पे ध्यान देना, हर चीज क्लियर करनी है, क्योंकि अच्छा लेवल का क्वेश्चन आएगा इसके अंदर, एक डेफिनेटली पूछा जाएगा, परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कराए हैं वो, और चुनाव से रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनता है तो 100% आएगा एक क्वेश्चन। समझना एक बार क्या बोलता है। माना चुनाव में मतों की संख्या कितनी है, 100, और क्वेश्चन में दे रखा है
कि जो हारने वाला उम्मीदवार है उसको कुल मतों का 30% मत मिलते हैं, तो 100 का 30% कितना हो गया 30 जो हारने वाले को मिला है। तो एक चीज बताओ मेरे को, जीतने वाला उम्मीदवार कितना, 70 ही लेके जाएगा क्या? और फिर देखो कि भैया जीतने वाला अगर 70 है और हारने वाला अगर कितना 30 है, तो भैया हारने वाला कितने मतों से हार गया, 40 मतों से हार गया। और इस 40 की वैल्यू ही अपने क्वेश्चन में दे रखी है 210, और अपन से पूछ रखा है कितना, 100 की वैल्यू। तो 210 के नीचे 40 लिखा और 100 से अपन ने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अगर वो पूछता कि भैया जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला होगा, तो अपन क्या करते, 210 के नीचे 40 इंटू जीतने वाले का वोट कितना आया, 70, तो इंटू 70 करते। हारने वाले का पूछता तो इंटू 30 करते। समझ गए क्या, समझ गए क्या? आगे बढ़ता हूं, कहीं डाउट है कमेंट करना बेहिचक। हर चीज को अपन क्वेश्चन को एकदम बेसिक से चलेंगे, अच्छे लेवल तक लेके जाएंगे। ध्यान रखना कैसे किया, दो उम्मीदवार और दोनों का अपन ने देखा कि भैया पहले को कितना मिल रहा है और दूसरे को कितना मिल रहा है, और डिफरेंस चेक किया। एक क्वेश्चन और समझाता हूं जिससे आपको और क्लियर होगा, ध्यान दीजिएगा इस पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, करने की कोशिश कीजिएगा, पढ़ना पहले क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके बाद हम लोग करेंगे क्वेश्चन को। एक बार कीजिए, क्वेश्चन क्या बोलता है समझिए। मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी है, पहले दो इससे पहले वाले क्वेश्चन में 2 थे, यहां कितने हो गए दोस्तों, 3 हो गए। एक चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा, ठीक है, पहले प्रत्याशी को 40% और दूसरे प्रत्याशी को 36% मत मिले। यदि मतों की कुल संख्या 36,000 थी, तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले होंगे? ऑप्शन आपके सामने है चारों, एक बार करने की कोशिश कीजिए। जिस भाई का आंसर आए मेरे को कमेंट कीजिएगा कि सर ये आंसर आएगा। एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझाता हूं क्वेश्चन, ध्यान दो एक बार स्क्रीन पे। एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे और क्या बोल रखा है कि पहले वाले प्रत्याशी को 40%, दूसरे वाले को 36% और तीसरे वाले को अपने को निकालना है, और यदि टोटल जो मत है वो अपने को 36,000 दे रखे हैं। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि भैया माना टोटल वोट जो है वो कितने हो गए, 100। टोटल वोट 100 हो गए, तो जब फर्स्ट वाला बंदा है उसको 100 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, 40। उसको 100 का 40% मिला है, मतलब कितना हो गया, 40। सेकेंड वाला बंदा है उसको कितना, 100 का कितना मिला है दोस्तों, 36। तो एक चीज बताओ, इन दोनों को मिला के 100 में से कितने वोट आ गए दोस्तों, 76। 100 में से कितने आ गए दोस्तों, 76। जब टोटल वोट 100 है और उसमें से दो प्रत्याशी, दो कैंडिडेट को मिला के 76 वोट आ गए, तो एक चीज बताओ मेरे को, उस थर्ड कैंडिडेट को कितना मिला होगा, 100-76 ही मिला होगा क्या दोस्तों? 100 में से 76 जाएगा तो कितना आएगा, 24। अब एक चीज बताओ, इस 100 की वैल्यू क्वेश्चन में अपने को कितनी दे रखी है, 36,000 दे रखी है, क्योंकि क्लियर बोल रखा है कि कुल संख्या जो है वो कितनी है दोस्तों, 36,000। मतलब आपको बोल रखा है कि 100 की वैल्यू जो है वो 36,000 के बराबर है, और आपसे क्वेश्चन के अंदर क्लियर पूछ रखा है कि तीसरे जो कैंडिडेट है उसको कितना मत मिला होगा, तो तीसरे कैंडिडेट को कितना मिला है, 24, और आपसे पूछ रखी है 24 की वैल्यू। तो 36,000 के नीचे क्या आएगा दोस्तों, बोलो, 100 आएगा क्या? 36,000 के नीचे कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा, और पूछ किसका रखा है, तीसरा कैंडिडेट, इंटू कितना कर दिया मैंने, 24, और 20 से 20 काटा, और 36,360 इंटू 40 को 24 करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 24×144, 4 आएगा, ऊपर जाएगा 14 पावर में जाएगा, 72 और 14 कितना हो जाएगा, 86, मतलब कितना आएगा दोस्तों, 8,640 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, 8,640 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। किया कैसे, एक बार फिर ध्यान देना, कुछ भी नहीं करना है, अप्रोच काफी अच्छी है,
सो माना पहले कैंडिडेट को 40% मिल रहा था तो 40 हो गया, दूसरे कैंडिडेट को 36 मिल रहा था तो 36 हो गया। अपन ने देखा 100 में से इन दोनों भाइयों को कितना मिल गया, 100 में से इन दोनों को मिल गया 40 इसको 36 इसको, टोटल कितना मिल गया इन दोनों को 76। अब देख सकते हैं कि भैया थर्ड वाले बंदे को कितना मिला होगा, जब 76 इन दोनों को मिल गया और टोटल 100 है तो थर्ड वाले को 24 मिला होगा। और क्वेश्चन में अपने को दे रखा है कि टोटल वोट जो है वो 36,000 है, तो 100 इक्वल टू कितना कर दिया मैंने 36,000। और पूछ क्या रखा है आपसे तीसरा वाला, तो 24 की वैल्यू अपने को पूछ रखी है, 36,000 अपॉन 100 इंटू कितना हो गया 24। अगर वो फर्स्ट वाला पूछता तो इस 24 की जगह 40 हो जाता, सेकंड वाले बंदे का पूछता तो 36 हो जाता, और थर्ड वाले का पूछा इसलिए अपन ने क्या कर लिया 24 कर लिया। कंप्लीट है क्या दोस्तों? चलिए आइए ध्यान दीजिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। कहीं डाउट आए बेझिझक कमेंट करना, एकदम बेसिक चल रहा है, एकदम छोटा तरीका, इससे छोटा तरीका नहीं हो सकता, और कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम है बेझिझक कमेंट करना। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, और चाहता हूं आप लोग करो इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन आपके सामने है, करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने लगा हुआ है, करने की कोशिश कीजिए, हर टाइप क्लियर होने होते होते आज परसेंटेज के मैं ऑलमोस्ट 7, 8, 10 टाइप करा चुका हूं आप लोगों को, इसके अलावा बाहर नहीं जाएगा क्वेश्चन, सारे टाइप कंप्लीट करेंगे अपन। क्वेश्चन में पढ़ता हूं आप लोगों के लिए, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दोस्तों दो उम्मीदवार थे, इसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, कुल मतदाताओं में से 10% लोगों ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 52% मत लेकर 84 मतों से जीत गया। जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसको 52% मत मिले और वो कितने 8,400 मतों से जीत गया, तो पूछ रखा है कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। तो पूछ क्या कहा है, कुल मतों की संख्या पूछ रखी है दोस्तों। ध्यान दो एक बार बोर्ड पे, कैसे होगा, एक बार स्क्रीन पे ध्यान दीजिए कैसे होगा, समझिए। देखो क्या बोल रहा है, एक इलेक्शन है, उस इलेक्शन के अंदर 10% लोगों ने अपना मत नहीं दिया, किसी कारणवश वो बाहर थे, कुछ भी रीजन था, 10% लोग मत देने नहीं आए। मतलब मान लो जो टोटल मत देने वाले थे, माना टोटल वोट जो थे वोटिंग लिस्ट में वो 100 थे, और 100 में से 10% लोगों ने क्या किया, अपना मत प्रयोग नहीं किया। मतलब 100 का जो 10% होगा दोस्तों, उन्होंने प्रयोग नहीं किया, तो शेष जो बचे होंगे उन्होंने वोट दिया होगा, शेष कितना बचा दोस्तों 90 बचा, शेष कितना बचा दोस्तों 90 बचा, और इस 90% लोगों ने क्या किया, वोटिंग किए। आगे लाइन पढ़ता हूं, आगे लाइन पढ़ता हूं, ध्यान दीजिएगा, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का, यहां पे कुल मत कितने हैं दोस्तों, कुल मत जो है वो 100 है, और इसका 52% जो है वो जीतने वाला कैंडिडेट ले गया। मतलब जीतने वाले को कितना मिला होगा, 52 वोट मिले होंगे जीतने वाले को। अब ध्यान दीजिएगा, जो शेष वोट बचे थे उसमें से 52 वोट जो है वो पहले वाला कैंडिडेट ले गया, 52 वोट जो है वो जीतने वाला कैंडिडेट ले गया, तो एक चीज बताओ, हारने वाला उम्मीदवार जो होगा वो कितना 38 वोट ही लेके जाएगा क्या, हारने वाला कितना लेके जाएगा दोस्तों, कितना 38 लेके जाएगा। और फिर क्वेश्चन आगे पढ़ो कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो 84,400 मतों से क्या हो गया दोस्तों, जीत गया। तो यहां देखो जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो कितने मतों से जीत रहा है, 14 मतों से जीत रहा है। क्या जीतने वाला उम्मीदवार कितना, 14 मतों से जीत रहा है। कैसे, 52 जीतने वाले को मिले, हारने वाले को 38 मिले, तो 52 - 38 किया, कितने वोटों से जीत रहा है जीतने वाला, 14 वोटों से जीत रहा है। और क्वेश्चन के अंदर अपने को जीतने वाले को कितना बता रखा है, 8,400, तो 14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, 14 की वैल्यू आ जाएगी 8,400।
14 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8400। और कुल मत पूछ रखे हैं, कुल मत जो थे वो अपने 100 थे, इसीलिए कितना आ जाएगा दोस्तों, इसकी वैल्यू अपने को निकालनी है, 8400 बटा 14 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और 14 छिंग कितना होता है दोस्तों, 84 होता है। तो ओवरऑल टोटल वोट कितने आ जाएंगे, 60,000 वोट आ जाएंगे। यही अपना क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। यही अपना क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा। इजी कॉन्सेप्ट है, काफी अच्छा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी भाई को। अगर लगता है कहीं पे भी कुछ डाउट है तो एक बार क्लियर करना, मैं फिर से समझाता हूं आप लोगों को कैसे हुआ क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा एक बार समझिएगा क्वेश्चन क्या बोलता है स्क्रीन पे। माना टोटल वोट जो है वो कितने हैं दोस्तों, 100। उसके बाद बोल रखा है कि उसमें कुल मतदाताओं में से 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया। तो ध्यान दो, जब टोटल वोट जो है वो 100 है और 10% ने अपना मत प्रयोग नहीं किया, तो 100 का 10% 10 और प्रयोग नहीं किया तो शेष कितने बचे, वो बचे 90। उसके बाद फिर क्वेश्चन आगे पढ़ो, क्वेश्चन बोलता है कि मत का प्रयोग नहीं किया और जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52% मत लेकर 8400 मतों से जीत गया। कुल मत अपने पास 100 थे, इसका 52% किसने लिया, जीतने वाले ने। तो 100 का 52 मतलब 52, जब शेष 90 बचा उसमें से 52 वोट जो है वो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाले बंदे को कितने मिले होंगे, 38, क्योंकि 90 में से 52 जाएगा तो हारने वाला ही लेके जाएगा, वो कितना हो गया 38। और अब ध्यान दो कि जब 100 मत थे उसके अंदर 52 इसको मिले और 38 इसको मिले, तो बताओ दोस्तों हारने वाला जो प्रत्याशी है वो कितने मतों से आ रहा होगा, 14। और 14 की वैल्यू वहां दे रखी है 8400, तो 14 इक्वल टू 8400 किया, और 100 की वैल्यू मेरे से पूछ रखी थी, तो 8400 अपन 14 इंटू 100 किया तो कितना आया दोस्तों, 60,000। यही अपना क्या होगा, उत्तर होगा। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन इससे अच्छा होगा, जिसके मैं दो तरीके आप लोगों को बताऊंगा, एक बेसिक और एक उसके अंदर शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है, कैसे दिमाग लगाना है वो चीज समझाऊंगा मैं आप लोगों को, ध्यान देना एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना करना, जहां डाउट आए बेझिझक पूछना। करना पहले मैं चाहता हूं आप लोग करो ये क्वेश्चन, आप लोग करो ये क्वेश्चन, कहीं पे भी कुछ भी इश्यू आए, कोई भी प्रॉब्लम आए, मेरे को कमेंट करना। क्वेश्चन में पढ़ता हूं जब तक, आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। अपन दोनों तरीके लगाएंगे, बेसिक भी और शॉर्ट ट्रिक भी। बेसिक इसीलिए समझाता हूं कि कभी भी मेरे टाइप के अलावा क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी घुमा के अगर दो टाइप को मिक्स करके बता दिया ना, तो आप वहां कंफ्यूज नहीं हो और क्वेश्चन को करके आओ। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन का बेसिक बताता हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर पटवारी में 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो मेरा स्टूडेंट जो मेरे से पढ़ चुका है वो उस क्वेश्चन को 20 के 20 क्वेश्चन को आराम से अटेम्प्ट करेगा। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन का बेसिक आप लोगों को समझाता हूं, क्वेश्चन पढ़ता हूं उसके बाद बेसिक समझाता हूं और शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है वो भी समझाता हूं आप लोगों को। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और इस चुनाव में मतदाता सूची के कुल 10% मतों का प्रयोग नहीं हुआ। मतदाता सूची के जो कुल लोग थे उनका 10% ने क्या किया, मतों का प्रयोग नहीं किया, तथा 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया तथा सफल उम्मीदवार 420 मतों से जीत गया, तथा सफल उम्मीदवार जो था वो 420 मतों से जीत गया। इससे मतदाता सूची के कुल मतों, इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 51% मत हासिल किए, तो मतदाता सूची में मतों की कुल संख्या कितनी है, समझिएगा। एक बार समझाता हूं मैं आप लोगों को,
देखिए, माना टोटल वोट हमेशा अपन कितने 100 मानते हैं, तो इसके अंदर भी कितना टोटल वोट जो है वो 100 है। अब एक चीज फिर ध्यान देना कि भैया 10% लोगों ने मत दिया ही नहीं, तो कितना बचा होगा दोस्तों, शेष बचा होगा वो कितना बचा होगा, क्योंकि वोट जो है वो अपन 100% मानते हैं, तो शेष वोट कितना बचा होगा 90%। शेष वोट कितना बचा होगा 90%। उसके बाद और आगे ध्यान दो, क्वेश्चन में लाइन क्या बोल रखी है, 10% मतदाताओं ने मत का प्रयोग नहीं किया और फिर 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया। अवैध कौन से वोट घोषित होंगे, ये 90% वोटों में से ही अवैध घोषित होंगे, तो भैया वैध मत कितने बच जाएंगे दोस्तों, वैध मत बचेंगे 90% माइनस 180। यही वैध मत बचेंगे क्या दोस्तों, अवैध 180 थे और उसके उसने क्या किया कि भैया 10 ने तो डाला ही नहीं, तो शेष जो बचा होगा उसी में से तो अवैध वोट घटाए जाएंगे, इसीलिए तो वैध वोट आएंगे। फिर आगे बढ़ो, उसके बाद बोल रखा है, ये वाली लाइन अभी छोड़ दो, उसके बाद बोल रखा है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसने कुल मतों का 51% क्या किया दोस्तों, मत हासिल किए, तो 100 का 51% जो है वो जीतने वाला कैंडिडेट ले गया। तो एक चीज बताओ दोस्तों कि भैया 100 का 51% तो जीतने वाला ले गया, तो हारने वाला कितना लेके जाएगा, 90% में से 51% जो है वो हट जाएगा, मतलब कितना आएगा दोस्तों 39% हारने वाला, और ये 180 एज इट इज आएगा। ये 180 क्या होगा, एज इट इज आएगा। क्यों एज इट इज आएगा, वहां इस जीतने वाले को 180 क्यों नहीं आया, क्योंकि जीतने वाला कुल मतों का लेके जा रहा था और हारने वाले को पता है कि अपन किस में से जाएगा, वेद मतों से, और वेद मतों में से ये चीज आई, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो अपने को क्वेश्चन में 420 दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस जो है क्वेश्चन में अपने को कितने दे रखा है, 420, 51% माइनस 39% माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों 180 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 420, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 420। अब एक चीज ध्यान देना, ये माइनस इसका अंदर गुणा करूंगा तो यहां प्लस आ जाएगा, मतलब 51% माइनस 39% प्लस 180 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 420। और एक चीज देखो, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, वो है 12%, और 180 उठ के इधर आएगा, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 240। 180 उठ के इधर आएगा दोस्तों, वो कितना हो जाएगा 240। और अपन से पूछ रखा है कि मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी थी, वो थी दोस्तों 100%, मतलब 12% की वैल्यू अपने पास कितनी है दोस्तों 240, और 100% की वैल्यू पूछ रखी है। हमेशा अपने को पता है क्या करना है, 240 बटा 12 इंटू कितना हो जाएगा 100, और इस 12 से 240 कटेगा 20 बार, मतलब जो कुल मतदाता थे वो कितने थे दोस्तों 2000। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। ये बेसिक मेथड है, आप लोगों को आना चाहिए। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा वो मैं आप लोगों को अभी समझाता हूं, एक बार इसको फिर से समझाऊंगा, कौन एकदम अच्छे से समझना, उसके बाद फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या होती है वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। समझिए, एक बार क्वेश्चन आपके सामने है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता भी जाता हूं और साथ साथ आप लोगों को समझाता भी जाता हूं। देखिए, चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चुनाव में दो उम्मीदवार थे, और कुल मतों का 10% मत जो था वो यूज ही नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो शेष जो बचे होंगे उसमें से क्या किया, 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया। और फिर देखा गया कि भैया जो जीतने वाला कैंडिडेट था वो 420 मतों से जीत गया, और क्या बोला कि कुल मतों का 51% मत लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद पूछ रखा है कि मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या कितनी थी। मैंने बोला कि माना टोटल वोट जो है वो कितने 100%, उसके बाद 10% जो है वो वोट डाले ही नहीं गए, तो शेष कितना हो जाएगा 90%, शेष कितना हो जाएगा दोस्तों 90%।
अब ये अवैध वोट जो है वो 90% में से ही घटेंगे क्या? क्यों 90% में से घटेंगे दोस्तों? क्योंकि जो बचा हुआ है, जो मतदाता ने वोट डाला ही नहीं, तो उनको तो काउंट करना ही नहीं है कि भैया वोट डरेगा तो अवैध घोषित होगा। अब वोट डला ही नहीं तो अवैध कैसे घोषित होगा? इसीलिए ये 180 100 में से ना घटा के 90 में से घटाया, तो वैध वोट कितना बचेगा? 90% माइनस 180। उसके बाद ध्यान दो, जो जीतने वाला है उसको कितना मिला? 51%। जीतने वाला कितना ले गया दोस्तों? 51%। तो जब 100 का 51 मतलब 51 तो ये हो गया, और यहां 90 था तो बचा कितना? 39 बचा, और 180 जो था उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा क्योंकि 180 एक संख्या है और ये सब प्रतिशत वैल्यू थी, इसलिए प्रतिशत में से घटाया तो यहां 39 आया और 180 मैंने एज इट इज लिख दिया। अब ध्यान दो, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का अंतर जो होगा वही वोट होंगे ना जिससे जीतने वाला उम्मीदवार जीता है। तो मैंने वही किया, इन दोनों का अंतर लिया 51% माइनस 39% माइनस 180 इक्वल्स टू 420 किया, इस माइनस को अंदर भेजा तो ये वाला माइनस तो प्लस हो गया और ये क्या हो गया? माइनस। 51% माइनस 39% प्लस 180 इक्वल्स टू कितना हो गया? 420। तो इस 180 को मैं इधर भेजा तो 420 माइनस 180 कितना हो गया? 240, और इन दोनों का डिफरेंस 12%। अब आया 12% जो है वो 240 के बराबर है, और अपन से पूछ रखा है दोस्तों कितना? कुल मत पूछ रखा है जो कि 100% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू निकालनी है, 240 बटा 12 इंटू 100 किया, 12 से काटा 240 20 बार, और 20 इंटू 100 किया कितना हो गया? 2000। यही अपना क्या है? आंसर। ये बेसिक मेथड था, शॉर्ट मेथड में आपको समझाता हूं, एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए जिससे मैं आगे बढ़ता हूं। शॉर्ट मेथड समझिएगा दोस्तों, शॉर्ट मेथड क्या है एक बार ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे। देखिए, अब अपन को एक चीज ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? कि अगर ये अवैध वोट जो है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ध्यान रखना क्या अप्रोच लगानी है, ये अवैध वोट जो है ये कहीं ना कहीं तो घटेंगे, क्योंकि अवैध वोट के साथ कभी भी चुनाव का रिजल्ट नहीं आता है। अब ये कहीं ना कहीं तो घटेंगे। अब ध्यान दो कि ये सब प्रतिशत है, तो ये प्रतिशत से कोई लेना देना नहीं है अपने को, क्योंकि ये संख्या है। तो इस क्वेश्चन में संख्या और कौन सी दिख रही है? 420। तो मैंने क्या करना है कि इन अवैध वोटों को इस 420 में से घटा देना है, और क्वेश्चन जो अब बन जाएगा वो हो जाएगा कि जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो कितने मतों से जीतेगा? 240 मतों से। ये बात आप लोगों को कंठस्थ कर लेनी है। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या अप्रोच लगानी है मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, एक बार ध्यान देना। क्योंकि ध्यान रखना, ये अवैध वोट एक बार कहीं ना कहीं तो घटेंगे, क्योंकि अवैध है, इसीलिए ये निर्णायक वोट तो नहीं हो सकते। तो अपन ने क्या किया, यहां प्रतिशत दे रखे थे और संख्या खाली एक ही दे रखी थी, तो अपन ने क्या कर दिया, 420 में से 180 घटा दिया और बोल दिया कि भैया जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो जीता होगा किससे? 240 मतों से जीता होगा। अब क्वेश्चन डायरेक्ट देखो, सीधा सीधा बात है, 100 जो है वो टोटल वोट है, और इस टोटल वोट का 10% वोट तो यूज ही नहीं आया, तो बचा कितना? 90। 10% वोट तो मैंने हटा दिया, बचा कितना? 90। और जीतने वाला जो है वो 51% तो कुल मतों का ले गया, तो 90 में से 51 चला गया, हारने वाले को कितना मिला होगा दोस्तों? 38 मिला होगा, डिफरेंस 39 मिला होगा हारने वाले को कितना मिला होगा दोस्तों? 39 मिला होगा। डिफरेंस देखा कितना आया? 12। और 12 ही क्या है दोस्तों, जीतने वाला और हारने वाले के बीच का अंतर
मतलब जो जीतने वाला उम्मीदवार है वो 12 मतों से जीत रहा है और क्वेश्चन के अंदर जीतने वाला उम्मीदवार कितने 240 मतों से जीत रहा है, मतलब 12 की वैल्यू कितनी हो गई 240 के बराबर और टोटल पूछ रखा है 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 240 के नीचे कितना आ जाएगा दोस्तों 240 के नीचे आ जाएगा 12 और 100 की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 240 और 12 काटूंगा एक दूसरे को तो कितना आएगा 20 बार और आंसर आएगा दोस्तों 2000 मत, और यही अपना क्या था आंसर था। ये इस क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक है, लॉन्ग मैं आप लोगों को जो बेसिक है आप लोगों को समझा चुका हूं, बेसिक ये रहा कैसे करना था और इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है एक बार फिर समझाऊंगा, अच्छे से समझना क्योंकि क्वेश्चन काफी अच्छा है, अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन बना तो ये बन सकता है। क्वेश्चन समझिए एक बार, ये 180 था दोस्तों, सीधी सी बात थे अवैध मत जो थे वो 180 थे और अवैध मत जो है वो कभी भी निर्णायक वोट नहीं होते हैं, तो अपने को निकालना है कि निर्णायक वोट कितने होंगे, तो अपन ने देखा कि 180 जो है वो संख्या है, बाकी क्वेश्चन में जो भी गिवन है वो क्या दे रखा है अपने को प्रतिशत वैल्यू दे रखी है और खाली एक 420 वो भी एक संख्या है और वो क्या है जीतने वाले मत है, मतलब दोनों मत है, इसीलिए मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि भैया जो अवैध मत है तो मैंने कितने 420 में से मैंने क्या कर दिया घटा दिया, तो 420 माइनस 180 किया तो जीतने वाले वोट अब कितने हो गए 240, बस यही समझने वाली बात थी, बाकी फिर 100 जो है वो टोटल वोट माने और 10% ने मत डाला ही नहीं तो बचा कितना 90 और जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 51% मिला, मतलब 100 का 51% 51 हो जाना है, तो हारने वाले को कितना मिला होगा 90 में से 51 तो चला गया बचा कितना 39 और देखो भैया ये दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वही होगा जो जीतने वाला उम्मीदवार जितने मतों से जीता होगा, तो कितने मतों से जीत रहा है 240, इसलिए 12 की वैल्यू 240 है और 100 की पूछ रखी है तो 240 बटा 12 इंटू 100 किया और 2000 अपना क्या हो गया आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, बेसिक में ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा इस क्वेश्चन का और शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को क्लियर होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने नया टाइप पे इलेक्शन के टाइप के क्वेश्चन जो भी बनते थे मैं करा चुका हूं, नया टाइप पे समझना अच्छे से, इसका भी बेसिक बताऊंगा और इसकी भी शॉर्ट ट्रिक अपन क्या करेंगे लगाएंगे, ठीक है समझना भैया एक बार करने की ट्राई कीजिए खुद से क्या होता है कैसे करना है, बेसिक शॉर्ट ट्रिक सारी चीजें अपन लोग समझने वाले हैं आज की क्लास में, एक बार समझिएगा स्क्रीन पे क्वेश्चन पढ़ता हूं, करने की कोशिश आप लोगों को भी करनी है और मैं समझा ही रहा हूं साथ का साथ। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर खरीददार 160 रुपए में 80 किलोग्राम चीनी जो है वो अधिक खरीद पाता है, तो क्या बोल रखा है कि कमी होने से पहले प्रति किलोग्राम चीनी का मूल्य अपने को क्या करना है दोस्तों बताना है। ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं 5 रुपए, बी दे रखा है 6 रुपए, सी दे रखा है 10 रुपए और डी दे रखा है 4 रुपए। ध्यान देना एक बार स्क्रीन पे क्या बोल रहा है, 160 रुपए में वो कितनी खरीद पा रहा है 8 किलोग्राम अधिक खरीद पा रहा है यदि चीनी का मूल्य कितना 20% कम हो गया। अब मैं क्या बोलता हूं, माना कि पहले जो था वो 160 रुपए में, माना कि पहले 160 रुपए में एक्स केजी चीनी खरीदी जा सकती थी। अब एक चीज बताओ, 160 रुपए में एक्स केजी चीनी खरीदी जा सकती है तो प्रति किलो चीनी का भाव कितना होगा, प्रति किलो चीनी का भाव कितना होगा, ये बेसिक मेथड है दोस्तों, कितना होगा 160 बटा एक्स ही होगा क्या, प्रति किलो चीनी का भाव 160 बटा एक्स ही होगा क्या, और वर्तमान में क्या हुआ कि भैया चीनी जो है वर्तमान में चीनी जो है उसमें 20% की कमी आ गई जिसके कारण क्या हो गया दोस्तों
8 किलोग्राम अधिक खरीदी जा सकती है तो वर्तमान में चीनी कितनी खरीदी जा सकती है? 8 प्लस एक्स तो वर्तमान प्रति किलो भाव कितना हो जाएगा? वर्तमान प्रति किलो भाव हो जाएगा दोस्तों 160 बटा एक्स प्लस 8 हो जाएगा, 160 बटा एक्स प्लस 8 हो जाएगा। यही है क्या? पहले प्रति किलो भाव कितना था? 160 बटा एक्स, और अभी वाला प्रति किलो भाव जो है वो 160 बटा एक्स प्लस 8 है। अब देखो दोस्तों क्या हुआ, कमी हुई, मतलब पहले वाला जो भाव था वो ज्यादा था और बाद वाला भाव क्या है दोस्तों, वो क्या है, कम है। तो मैं क्या बोल सकता हूं, कमी कितनी हुई होगी भाव के अंदर, वो हुई होगी 160 बटा एक्स माइनस 160 बटा 8 प्लस एक्स। यही क्या हुई होगी दोस्तों, कमी हुई होगी, और कमी प्रतिशत अपन को दे रखा है 20%। अब ध्यान दो, कमी कहां से हुई है? कमी हुई है 160 बटा x से। तो मैं क्या करता था, कमी के नीचे कमी कहां से हो रही है वो इनटू गुणा करूंगा, तो जितनी कमी हो रही है वो आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 160 बटा x माइनस 160 बटा x प्लस 8, और कमी जो हो रही है वो 160 बटा x से हो रही है, कमी जो हो रही है वो 160 बटा x से हो रही है। तो उसके बाद क्या करना है, इसका अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 20 के बराबर। ये कैसे आया फिर समझाता हूं, कि कमी जो है वो अपन ने देखा कि प्रति किलोग्राम कमी कितनी आ रही है, वो आ रही है 160 बटा x माइनस 160 बटा x प्लस 8। और उसके बाद अपन ने क्या किया दोस्तों, अपन ने देखा कि भैया कमी जो है ये वो ये है, और कमी हो कहां से रही है, वो यहां से कमी हो रही है, इसलिए कमी अपॉन जहां से कमी हो रही है वो इनटू 100 करूंगा। तो कमी का क्या हो जाना है दोस्तों, प्रतिशत निकल जाना है। उसके बाद फिर आगे ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर आगे ध्यान दीजिए, 160 जो है वो मैं क्या कर लेता हूं दोस्तों, कॉमन ले लेता हूं। 160 मैंने क्या कर लिया दोस्तों, कॉमन ले लिया, तो इधर कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन x प्लस 8 अपॉन का, अपॉन का कितना हो जाएगा दोस्तों, नहीं दिखेगा क्या, चलो मैं अगले स्लाइड ले लेता हूं एक बार आप लोगों के लिए, यहां तक एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर अगली स्लाइड में आप लोगों को समझाता हूं, उसके बाद अगली स्लाइड में आप लोगों को समझाता हूं, यहां तक आप लोग एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। यहां तक किसी भाई को कोई समस्या हो तो बता दो, नहीं तो मैं एक काम कर रहा हूं, ये रफ कर देता हूं आप लोगों के लिए, एक बार फिर समझाता हूं, अगली स्लाइड ले लेता हूं, यहां तक ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड क्या होगी एक बार समझिएगा। देखो दोस्तों कमी प्रतिशत जो आया था, कमी प्रतिशत कितना आया था दोस्तों क्वेश्चन में, वो आया था 160 बटा x माइनस 160 बटा x प्लस 8 अपॉन में 160 बटा x इंटू कितना आया था दोस्तों 100, और ये किसके बराबर आया था 20 के बराबर, ये किसके बराबर आया था दोस्तों 20 के बराबर। उसके बाद आगे ध्यान दीजिए, 160 क्या करना है, ऊपर से कॉमन लेना है, यहां आएगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 8 हो जाना है दोस्तों, अपॉन में कितना आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 160 अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों 20। उसके बाद इस इन दोनों का क्या करना है दोस्तों, लघुत्तम लेना है और इस 20 को इसे काट देना है, ये कितना हो जाएगा 5। लघुत्तम लोगे तो लघुत्तम कितना आएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा एक बार स्क्रीन पर, लघुत्तम आएगा दोस्तों 160 x और x प्लस 8 ये हो जाना है, x यहां है, x यहां आ गया तो बचेगा ऊपर कितना x प्लस 8 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों x अपॉन का 160 अपॉन x हो जाना है, और इंटू कितना आएगा 5 इक्वल टू 1 हो जाना है। इस 160 से ये काटूंगा, और उसके बाद क्या सोल्व किया है दोस्तों, ऊपर देखिए इस x से ये x कट जाएगा क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का, इससे ये कटा तो आएगा कितना 8 अपॉन 8 ब्रैकेट x प्लस x इंटू 8 हो जाना है,
और देन ये x घूम के ऊपर आ जाएगा तो यहां आ जाएगा x इक्वल टू कितना जाएगा 1, इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, और 5 जो बड़ा हुआ तो वो क्या हो जाएगा यहां पे, इस x से ये x कटा और इधर अगर मैं गुणा करूंगा तो x प्लस 8 जो है वो कितना आ जाएगा दोस्तों 40 के बराबर, वो कितना आएगा दोस्तों 40 के बराबर, तो x क्या आएगा दोस्तों वो आएगा 32 kg, मतलब वो बंदा 32 kg जो है वो पहले 160 रुपए में खरीद पा रहा था और प्रेजेंट में 8 केजी अधिक खरीद पा रहा है, तो प्रेजेंट में दोस्तों कितना हो जाएगा दोस्तों वो कितना हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू कितना आ जाएगा दोस्तों 40 आ जाएगा, मतलब पहले वाला भाव जो था वो था 160 का 32 किलो, मतलब 160 बटा 32 करूंगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों 5 रुपए, और अभी वाला जो भाव है वो कितना है दोस्तों वर्तमान भाव जो है, वर्तमान भाव जो है वो है 160 के अंदर कितना खरीद रहा है दोस्तों वो खरीद रहा है 40, वर्तमान भाव जो हो जाना है वो कितना हो जाना है 160 बटा कितना हो जाएगा 40, मतलब कितना हो जाएगा 4 रुपए, यही अपना क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से समझना बेसिक क्या कहता है और शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी, इतना बड़ा अपने को करना ही नहीं है, शॉर्ट ट्रिक क्या है और बेसिक क्या है एक बार फिर से समझिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा स्क्रीन पे कैसे करना है, अपने अपने लोगों को क्या अप्रोच लगानी है एक बार समझिएगा। देखिए ये क्वेश्चन था, इसके अंदर अपन ने माना है कि माना पहले 160 रुपए में x केजी जो थी वो चीनी आती थी, तो पहले का मूल्य 160 बटा x कर दिया, वर्तमान मूल्य कितना हो गया x प्लस 8 हो गया, वर्तमान जो भाव है वो कितना हो जाना है दोस्तों वो हो जाना है भैया 160 बटा x प्लस 8 हो जाना है, 160 बटा x प्लस 8 हो जाना है दोस्तों। ये कैसे आया ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई क्या, क्योंकि 8 केजी जो है वो अधिक खरीद पा रहा है तो x प्लस 8 होगा, तो प्रति किलो भाव कितना हो जाएगा 160 बटा x प्लस 8, और कमी देखिए वो कितनी हो गई है 160 अपॉन x माइनस 160 अपॉन x प्लस 8, और कमी प्रतिशत जो हो जाएगा कमी अपॉन जहां से कमी हुई वो इंटू 100 इक्वल टू क्या हो गया दोस्तों 20 हो गया। अब उसके बाद अपन लोगों ने क्या अप्रोच लगाई थी, उसके बाद अपन लोगों ने जो अप्रोच लगाई थी वो मैं आपके सामने लेके आता हूं, कमी प्रतिशत जो आया है वो उसके बाद 160 मैंने इधर कॉमन लिया और फिर मैंने एक इक्वेशन को सोल्व किया तो मैंने देखा कि भैया x की वैल्यू जो है वो 32 आई है, x की वैल्यू जो है वो कितनी आई है दोस्तों 32 आई है, तो पहले जो था वो 160 में 32 किलो खरीद रहा था तो पहले का भाव जो था वो 5 रुपए था और वर्तमान भाव जो है वो है 160 बटा 40 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो अधिक खरीद पा रहा है तो 160 बटा 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 रुपए, यही अपना क्या हो जाना है दोस्तों आंसर हो जाना है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बेसिक था वो बहुत लंबा था, शॉर्ट ट्रिक क्या लगानी है वो मैं आप लोगों को समझा देता हूं और समझा दिया एकदम अच्छे से, कहीं कुछ डाउट हो बेझिझक पूछना, शॉर्ट ट्रिक क्या होगी इस क्वेश्चन की वो मैं आप लोगों को हमारे अगली क्लास में समझाऊंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू मेरे साथ बने रहने के लिए।